अरे वसु, तू क्यों काम करने आ गई? अब तो तेरा ब्याह तय हो गया है, ससुराल में भी तो तुझे यही सब काम करना है ना? अरे पहली बात तो ये हमारी देवी हुकुम की सेवा है, और दूसरी बात मैं इस काम को करने की तनख्वाह ले रही हूँ, तो उसकी इज्जत तो करनी होगी ना। वसु तू खुश तो है ना? बाबूसा खुश तो मैं खुश, और वैसे भी हमारा ब्याह करना उनका सपना है, अभी वो सपना पूरा होने जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। इसी खुशी का रंग हमारी वासु पे खूब जचे है, और यो घाघरे इसका रंग भी खूब जचे है, और महंगो भी लागे है। हाँ। आप इसे अलग रख दीजिए, और हाँ इस लहंगे पर किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अरे वाह वसु, ये बात है, लहंगा तो एकदम सुंदर है। अरे इस पर से तो नजर ही ना हट रही, कहीं मारी नजर ही ना लग जावे। वैसे ये लहंगा देखकर मारे को एक कहावत याद आ गई, कोठी में छोरा और पूरे उदयपुर में ढिंडोरा। मैं समझी नहीं मैडम जी। अरे समझोगी भी कैसे, असली सोने के तारों वाला लहंगा जो हड़प लिया तूने, उस दिन थारी देवी हुकुम ने यही लहंगा चौहान खानदान की होने वाले बहू के लिए पसंद किया था। पर मारे को एक बात समझ में ना आई वसु, इतना महंगा लहंगा लेने के लिए थारे ड्राइवर बाप के पास इतने पैसे आए कहां से, और ये ऐसा कौन सा झोल कर दिया कि 45,000 का लहंगा खरीद लिया उन्होंने। मैडम यो लहंगा 45,000 का ना है, ये तो 80% छूट पर यानी 9,000 का मिला है। के 80% की छूट, वाह बहुत ही बड़ा दिल है ना दुकानदार का। मारे को क्या बैलबत्ती समझ रही है कि तू कुछ भी बकवास करेगी और मैं गर्दन हिला के मान जाऊंगी? चल भाभी साहब के उल्टे हाथ से सीधा सच बाहर आ जाएगा, जरा देखू तो। मैडम ये आप क्या कर रही हैं? इतना महंगा लहंगा लागे कैसे? मैडम चल 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 भाभी साहब को भी दिखा देती हूँ कि उनके बहू का चोरी हुआ लहंगा उनकी घर की नौकरानी पहनकर घूम रही है। भाभी साहब मिल गए हो, चोरी का माल मिल गए हो। भाभी साहब आपको ये लहंगा तो याद ही होगा ना? ये वही लहंगा है जो आपने अपनी लाइवली बहू करिश्मा के लिए पसंद किया था। पहले इस नौकरानी ने इसे दबा लिया, और ऊपर से मारे को बहला रही है कि 80% की छूट पर लिया है। अब बोलो भाभी साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि नौकरों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात ना है, अब आप ही देखिए। ये दोनों बाप बेटी मिलकर हमारी जेबें काट रहे हैं, अरे हमें लूट कर ही तो इसके बाप ने इस लहंगे के पैसे। आप भले ही मारी मालकिन है, लेकिन आप जिनके खिलाफ ये सब झूठे इल्जाम लगा रही है वो हमारे बाबोसा है, और उनके खिलाफ मैं कोई गलत शब्द नहीं सुन पाऊंगी। लो जी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे थारे को तो ना मैं देवी हुकुम, ये लहंगा हमारे को बाबोसा ने नहीं देव सर ने दिलाया है।